एवरीवन, वेलकम बैक टू अलकायंस व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग काफी खास होने वाला है, तो व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। मेरे पीछे आ ही जाता है, देख रहे हो? भाग रहा है मुझे देख के। तीन दिन का वो और आ गया है। सिकंदी का प्राइस पड़ा 25 रुपीज़ और काफी अच्छा है सिकंदी। तो अभी मैं लिलिन पार्क के अंदर घुसने वाली हूँ। आगे आपको दिखा, आगे टिकट काउंटर है। अभी मैं लिलिन पार्क के बाहर ही हूँ, टिकट ढूंढ रही हूँ। पार्क तो बंद है, बाकी सब लोग बाहर खड़े हैं अंदर जाने के। सो गाइज, ये डे टू है क्योंकि फर्स्ट टाइम गई थी, मिलेन पार्क बंद था। देखिए, जाने के लिए रेडी हो रही है। तुम इतनी लेट जाओगी तो आओगी कब? बोलो, आ जाएंगे। अरे अभी खुलता नहीं है, हम क्रूज जा रहे हैं। क्रूज क्या होता है? एक बोट रहता है, वहाँ पे खाने पीने का रहता है अंदर में। तो वही आज हम आप लोग को वही टूर कराने वाले हैं। देखेंगे हमारे कोलकाता का क्रूज कैसा है। तुम आएगी कितना बजे तक? 1 लाख दिन बाद बताओ ना। अरे टाइमिंग यही है, एक तो 4 बजे खुलता है और एक 6 बजे का टाइमिंग है। तो हम 6 वाला जा रहे हैं ताकि लाइट वाइट अच्छा रहे, तो दिखने में अच्छा लगेगा ना। आएगी कितना बजे तक? 1 लाख दिन बाद। हम पता है, जब मम्मी पूछती ना कब आएगी, तो मैं कहती हूँ 1 लाख दिन बाद। टाइम बताओ क्योंकि तुम जाकर। हाँ, 1 घंटा में। हाँ। कहाँ पर ये बताओ? 1 लाख दिन बाद। बगल में कहती तू है कैसा? अच्छा लग रहा है। सो गाइज देखो, मनी नहीं है। मम्मी मेरे बैग चेक कर रही, क्या 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 नहीं। क्या मनी नहीं है? ओके, okay. मम्मी खोल के देख रही क्या है क्या नहीं। मेरे लिए कुछ मंगाई है। आपके लिए कुछ नहीं है मम्मी? टी शर्ट। अच्छा है, कलर अच्छा है मम्मी? वाह, मस्त है। मौसम काफी डेंजरस हो गया है, पूरा देख रहे हो आप बादल। जो बारिश का मौसम हो गया है, काफी मजा आएगा बारिश के मौसम में। गाइस, डे टू में ये हुआ कि आंधी तूफान आ गया। तो गाइस आपको पता है, आज इतनी आवाज आ रही है ना मेरे खिड़की से बाहर की, मैंने खिड़की बंद कर दिया है, फिर भी पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं, आप लोग बताना। ऐसे वीडियो बना रही हूँ खिड़की विड़की बंद करके। और पता है, ये बेडशीट काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, ये देखो मस्त लग रहा है ना बेडशीट। सबसे ज्यादा इसकी फ्लावर मुझे काफी पसंद है। तो फाइनली मैं नहाकर आ गई हूँ, और आपको पता हम जल्दी खाना खा लेते, तो मम्मी मुझे आवाज दे रही थी खाना के लिए, तो मैं जल्दी जाती हूँ खाना लेकर आ जाती हूँ। चलिए चलते, आपको भी लेके चलते। मम्मी पापा बोला मम्मी आवाज लगा रही है, दे दो खाना मेरे को। क्या है फल का? आलू का सब्जी मेरे को नहीं खाना, आलू नहीं खाना चाहते है, हरा सब्जी पसंद है मेरे को मम्मी। अच्छा, करेला खीरा नहीं खाता है, भिंडी खा लेंगे हम ना ज्यादा नहीं। फल का एक ही दो भाई, अब से मेरे लिए कुछ अच्छा सब्जी बना दिया करो मम्मी प्लीज। खाना ले लिया मैंने, अब खाना लेके जा रही हूँ अपने रूम में और खाऊंगी, और फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद। थर्ड डे है, देखते हैं कि मैं पहुंच पाती हूँ कि नहीं। 4 बजे का किया इस बार मैंने, क्योंकि 6 बजे तक बारिश आती है। फटाफट दौड़ रही हूँ, बचने वाला है, और मैं मुझे डर है कि मैं लेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैं बस से नहीं गई। आज संडे बस मिलता भी नहीं, इसलिए मैं फट से टैक्सी कर ली। अब देखते हैं मैं पहुंच पाती हूँ कि नहीं। आज मतलब 3रा दिन है या 14 दिन होगा, मैं इतना दिन से जा रही हूँ लेकिन पहुँच नहीं पा रही हूँ। देखते हैं आज आपके लिए ब्लॉग बना पाती हूँ कि नहीं। चलिए, टिकट काउंटर में बहुत भीड़ लग गई है, देखो। और मुझे हंसी आ रहा है काफ़ी, क्योंकि बहुत भीड़ है। तो मंडे टू फ्राइडे का टाइमिंग जो है वो 6 बजे रहता है शाम को, और सैटरडे संडे अगर आप आते हो तो 5 बजे का टाइम रहता है,
और एक 6:45 का टाइम रहता है। तो मैंने भी टिकट ले लिया, मैं संडे को आई हूँ, तो यहाँ पे दो टिकट मुझे मिला पता नहीं क्यों। और एक टिकट का चार्ज क्या है, एक का 39 है और दूसरे का 130 है, तो टोटल कॉस्ट आपको पता चल गया होगा। बट ये दो क्यों मिला मुझे नहीं पता, लेट भी हम लोग जाएंगे तब देखेंगे। वैसे मुझे एक घंटा भी वेट करना होगा क्योंकि मैं 4 बजे सोच के पहले जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के आ गई, टैक्सी भी कर लिया मैंने। बाकी एक घंटा वेट करते हैं, क्या कर सकते हैं, पता नहीं था मुझे। चलो जो ये बना रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, गांधी का टोपी ना, चना चूर। चना चूर कितने का बनाते हैं अंकल? 20 का का बना दीजिए। प्याज देंगे? हाँ हाँ प्याज दीजिएगा, प्याज ही तो अच्छा लगता है। देख लो अंकल कैसे बनाते हैं, पहले तो ये डालते हैं, ये तो पैकेट मिलता है। फिर अंकल ने प्याज डाल दिया है, फिर अंकल ने कुछ नमक डाला है, ये कुछ मसाला लग रहा है मुझे। अंकल ये कौन सा मसाला है? ये चाट मसाला। चाट मसाला। और फिर अंकल ने नींबू डाल दिया है। पहले हमारे घर के पास मिलता था लेकिन अब बंद हो गया है, अब अंकल ने इसको बस मिला दिया और बन गया हमारा। क्या अंकल? कुछ बनाई है पता नहीं मुझे, बहुत ही टेस्टी चनाचूर बनाई है। बाकी अगर आप मिलेनियम पार्क आओगे तभी आप क्रूज में जा पाओगे। इस साइड में मिलेनियम पार्क है, इस साइड में क्रूज है, अभी बंद है क्योंकि 5 बजे खुलेगा और 5 बजे मैं घुसूंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ले रही हूँ बटर स्कॉच आइसक्रीम, अंकल दे रहे हैं। अभी मैं आइसक्रीम खा रही हूँ बटर स्कॉच, जिसकी कॉस्ट पड़ी 35। मैं सारा कॉस्ट आपको बता दूंगी ताकि अगर आप आओ तो कभी आपको हेल्प मिलेगा। तो आपको कौन सा आइसक्रीम खाना पसंद है आप ज़रूर बताना। वैसे मैं तो अभी बटर स्कॉच खा रही हूँ, कभी भी कुछ भी खा लेती हूँ क्या। तो अभी मैं वेट ही कर रही हूँ कब आएगा मुझे नहीं पता। तो गाइस भीड़ तो बढ़ती जा रही, देखो इतना ज़्यादा भीड़ हो गया। तो गाइस अभी चिप्स और कोल्ड ड्रिंक अंदर लेके जा रहे हैं, ये भैया ने बोला ले जाने देगा, बाहर में जो दुकान है उसको लेके जा रहे हैं। और थम्सअप भैया, थम्सअप जो है वो पूरी भर चुकी है। सो गाइस पता है मुझे लेट हो गया था क्योंकि जो लाइन लगी हुई थी ना वो कोई और क्रूज के लिए थी, बाकी मेरी जो क्रूज छूटने वाली थी मैं फटाफट दौड़ कर आई और देखो फटाफट दौड़ के आ गई और अंदर घुस गई। बस छूटने ही वाली थी कि मैं घुस गई, वरना आज भी मेरा लेट हो जाता और फिर 4 डे का फिर से वीडियो बनाना पड़ता मुझे। बाकी ये जो क्रूज है इसमें यहाँ पे खाने के लिए खीरा है, चाय है, बिस्किट है एंड ये देखो चिप्स है और थम्सअप वगैरह सब कुछ है। रिवर क्रूज कैफ़े लिखा है यहाँ पे देखा। फिर ऊपर में भी एक जगह था तो मैं सोची चलो ऊपर जाके देखते क्या है। तो ऊपर में काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, देख रहे हो इतने लोग मतलब पहले से आके बैठ गए थे क्योंकि बैठने की सीट्स कम थी। और बाकी यहाँ पे गाना बजाना चल रहा था, बंगाली सॉन्ग्स भी चल रहा था, एक बंगाली एक हिंदी ऐसे चल रहा था। बाकी देखो एक ही सीट मुझे मिला इतना मुश्किल से, बाकी सब बैठ गए थे और ऊपर से ऑर्केस्ट्रा पैप पैप बजे जा रहा था। सो गाइज़ यहाँ पे आओ तो आपको व्यू का ही बेस्ट नज़ारा दिखेगा, व्यू काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन गाइज नेट जो है वो नहीं चल रहा, तो आप रील्स वगैरह नहीं बना पाओगे, फोटो क्लिक कर सकते हो। बाकी व्यू देख रहे हो इतना प्यारा व्यू है ना कि क्या बताओ। पूरा 1.5 घंटा आपको घुमाता है, मैंने जितना प्राइस बताया उतने में आपको 1.5 घंटा घुमाएगा। ऊपर से ऊपर में बहुत तेज़ तेज़ ऑर्केस्ट्रा बजते जा रहा था। बंगाली आ रहा था तो मैं बोर हो रही थी क्योंकि मुझे बंगाली बिल्कुल नहीं आती। हिंदी सॉन्ग आ रहा था तो मैं काफ़ी इन्जॉय भी कर रही थी। देखो ये ढहटा ढहटा ढहचा ढहचा देख रहे हो। काफ़ी मज़ा किया मैंने। सो गाइस चलिए देखते हैं हावड़ा ब्रिज का नीचे का पोर्शन कैसा लगता है। देख रहे हो ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है जंक वंक आ गया है गाइस, देख रहे हो। तो ये हमारा ऊपर का हावड़ा ब्रिज है जहाँ से गाड़ी वाड़ी चलती है। अगर आप हावड़ा स्टेशन आते हो कोलकाता के तो आप हावड़ा ब्रिज होकर ही जैसे कहीं जाते हो तो आपको समझ में आएगा। बाकी मैं तो काफ़ी व्यू का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं मज़ा ले रही थी। बाकी बादल देख रहे हो कितना क्लियर है, कितना साफ़ है, और समुंदर मतलब ये गंगा जी भी कितनी प्यारी लग रही है। वैसे तो मैंने खाने का ले ही लिया था लेकिन यहाँ पे आओ तो कुछ खाओ ना तो मज़ा नहीं आएगा क्या। तो मैंने कैफ़े से ना खीरा लिया है जो नमक लगा के भैया दे रहे थे, और मैं चाय भी लूँगी अभी। देखो फर्स्ट चाय पी लेता, चलो एकदम गर्मा गर्म चाय था, टेस्टी था चाय गाइस। तो यहाँ पे देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा सब कुछ नज़ारा, ओ माई गॉड इतना प्यारा नज़ारा लग रहा है। जूम वगैरह करके आपको दिखा दिया सनसेट वगैरह जो हो रहा था। बाकी चलो चाय पी लेती हूँ मैं। सो गाइस कुछ लोग थे जो गंगा जी में खा पी के फेंक रहे थे गाइस, ये लेकिन मुझे सही नहीं लगा। वहाँ पे डस्टबिन दिया था फिर भी वो लोग ऐसे फेंक रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए।
सो गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप जाते हो तो रिवर गंगा में मत फेंकना, क्योंकि वो ऐसे भी गंदी रहती है, तो हम जानबूझ के और गंदा क्यों करें अपने तरफ से। तो आप लोग ऐसा मत करें, क्योंकि गंगा जी का हम पूजा करते हैं तो वहाँ पे डस्टबिन दी होती है, आप लोग डस्टबिन में फेंक लेना। या तो जैसे कि मैंने क्या किया था, अपने बैग में पैकेट्स वगैरह खापी के रख लिया था, उसके बाद क्या मैं बाद में डस्टबिन दिखा तो फेंक दी थी। तो आप लोग भी ऐसे अपने बैग में कैरी कर लेना, लेकिन गंगा जी को गंदा मत करना। बाकी सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हो, इतना प्यारा लग रहा था ना सब कुछ, और पूरा रिफ्लेक्शन देख रहे हो आप। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली कोलकाता का व्यू दिखाने के लिए, कि हमारा कोलकाता इतना सुंदर है, हमारा कोलकाता बहुत सुंदर है, बस हमें थोड़ा ट्रैवल करने की ज़रूरत है, थोड़ा देखने का ज़रूरत है, थोड़ा इन्जॉय करने की ज़रूरत है नेचर को, बाकी सब कुछ सुंदर हो ही जाता है। बाकी एक बोट गई, बहुत ही इसको कहते हैं स्पीड बोट, जिससे पूरा लहर बन गया था, पूरा हर तरफ एक लहर बन गया था। यहाँ पे साइड में मैंने एक जंगल देखा, बहुत ही डेंजर जंगल लग रहा था, अमेजोन नहीं था, डेंजर था। बात पता है आपको मेरा नज़र कहाँ गया, ये घर पे जो कि गंगा जी में ही बना हुआ था, देख रहे हो। मैं तो डर रही थी कि कहीं ये टूट ना जाए, बेचारे लोग कैसे रहते होंगे। बाकी इनके पास एक चीज़ है, जब उनको मन करे गंगा जी में नहा लो फिर अंदर चले जाओ, बट डेंजर भी काफ़ी है कि गिर ना जाए। देखो सीढ़ी बना हुआ है जाने के लिए, अगर एक बार गिर गया इंसान तो गया, क्योंकि गंगा जी काफ़ी गहरा होता है। लेकिन घर पॉसिबल है बनना, मतलब बाढ़ वाड़ आती है या फिर कुछ, मुझे तो बहुत रिक्सी लगा ये चीज़, बट कोई ना, जैसे लोग रहते हैं वो भी इन्जॉय करते हैं नेचर वाइज, क्या उनको भी पसंद है रहना। अब मैं गाना गा रही हूँ, देख रहे हो, एकदम मस्त गुनगुना रही हूँ, क्योंकि हिंदी सॉन्ग चल गया है, तो यार हमारा हिंदी सॉन्ग चलेगा तो हम तो गाएंगे ही ना। आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा गाना, चलो मैं बता देती हूँ। ओ दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, मस्त गाना है क्या। के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मस्त लाइन है ये वाली। फिर मैंने देखा कि एक जगह गंगा जी की आरती होती है, जैसे बनारस वगैरह जो है ना, बनारस वगैरह में आरती होती है, उस तरीके का वैसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, और आरती होने के लिए बस रेडी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो यहाँ भी मैं एक दिन ज़रूर आऊँगी और आपको आरती का नज़ारा दिखाऊँगी, पहले पता करना होगा मुझे। बाकी ये लोग देखो यहाँ पे जो ये लोग फ़ोटो खींच रहे थे, हाय हेलो कर रहे हैं, देख रहे फ़ोटो वोटो सब ले रहे थे। जैसे जैसे शाम हो रहा था वैसे वैसे नज़ारा और खूबसूरत हो रहा था, जब सनसेट हुआ तो मौसम देखने का मज़ा ही कुछ अलग था। तो गाइस ये हमारा कोलकाता का न्यू ब्रिज है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है, जैसे हावड़ा ब्रिज है वैसे ये न्यू ब्रिज है। तो देखो सब लोग इसी का वीडियो लिए जा रहे थे। बाकी डेढ़ घंटे में मतलब मैं आपको कितना चीज़ दिखा दी, मतलब पूरा कोलकाता का टूर ही कर लिया ऐसा तो लग रहा है मुझे, पर अभी बाकी है, थोड़ा सबर करो, थोड़ा सबर करो। पास जा रहे हम लोग, पता है वो ब्रिज के, तो पास जाएंगे तो और अच्छा व्यू आएगा, देख रहे हो, मैं काफ़ी मज़ा इन्जॉय कर रही थी। तो ये देखो पास आने से ऐसा ब्रिज लग रहा था, यहाँ पे भी गाड़ी वाड़ी चलती रहती है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा था नज़ारा। यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे बोट्स जा रहे थे, और वहाँ पे लाइफ जैकेट पहना के मतलब आदमी लोगों को लेके जाया जाता है शायद घूमने के लिए। बाकी मुझे लग रहा है ये प्रिंसेप घाट से ले जाया जाता है, या कहाँ से ले जाते हैं मैं पता करूँगी, और फिर मैं भी जाऊँगी, ठीक है। आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी कोलकाता आओ तो इन्जॉय कर पाओ, इसलिए मैं आपको ट्रैवल कभी कभार करवा देती हूँ, क्योंकि कोलकाता में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ है। बाकी ये ईडन गार्डन है यार, मैच आने वाली है कोलकाता के साथ, तो ये ईडन गार्डन जहाँ पे लाइट दिख रही है, मेरे घर से थोड़ी छोटी लाइट दिखती पर यहाँ पे बड़ी, तो ये SBI ब्रांच है। तो देखो इतना मस्त लग रहा है ना, काफ़ी सारा लाइटनिंग के साथ ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे देख रहे हो आप फ्लोटल
फ्लोटलिंग फ्लोटल जो देख रहे हो ना, वो एक होटल है जो कि नदी में रहता है, लेकिन वो तैरता नहीं है। बाकी ये बहुत अच्छा होटल है, आप लोग स्टे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सनसेट जो हो रहा है वो काफ़ी और प्यारा लग रहा है, देख रहे हो। बाकी आज का सफ़र यहीं तक था। तो देखो कोलकाता हेरिटेज रिवर क्रूज जो है, ऊपर में लाइटनिंग काफ़ी अच्छी है। मैं ऊपर गई नहीं लाइटनिंग के समय, चलूं, 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 फिर भी मैंने सबको अलाउ कर दिया अंदर आने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिलदार हूँ और ऐसा बात झूठ है, मेरे पूरा बुक ले गया, काफ़ी मज़ा आया। लेकिन सबसे अच्छा मुझे व्यू लगा, बाकी सब ठीक ही था। बंगाली सॉन्ग चल रहे थे, हिंदी सॉन्ग भी थे ऊपर, थोड़ा बहुत माथा भी दुखा, लेकिन मज़ा भी आया। तो व्यू के लिए आप लोग आ सकते। गई हूँ और मैंने लिया है खाना, क्योंकि आज मम्मी को नहीं बनाना था, तो मम्मी का कॉल आया और मैंने ले लिया। तो चलिए चलते हैं। अरे मैं आ गई हूँ घर, और गाइस वहाँ से अगर आप चिप्स विप्स लेते हो ना, तो आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। मतलब 20 की चिप्स है तो 22 पड़ेगा, थम्स अप 20 की तो 22 पड़ेगा, वैसे आपका 2-2 रुपये एक्स्ट्रा करके लेते हैं। ये मैं बताना भूल गई थी, तो मैं अभी बता दी आपको। बाकी अभी मैं खाना खा देती हूँ। जीरा राइस, दाल मखानी, पनीर की सब्जी और है नान, बाकी आमरस वगैरह यहाँ पड़ा है। देखो तेल पूरा फ्लोट कर रहा है यार, क्या ही दिया। सो गाइस ये खाना एवॉयर का है, मैं बता देती हूँ, इसमें तेल फ्लोट कर रहा है। राइस देखो किसमें निकाले तेल, मेरे से निकलेगा तेल, टॉफी ठीक निकाल, वही गिर जाएगा, टॉफी ठीक कर देगी क्या टॉफी, ठीक है। मैम कुछ बोली है, टीचर ने बोला है चपड़ चपड़ नहीं करने के लिए, कितना अच्छा प्लास्टिक का, मजबूत भी होती थी। हाँ मजबूत है, अपन कभी पिकनिक विकनिक जाएंगे ना, हमें चम्मच काम आ जाएगा। फोक भी दिया है, तो देखने में अच्छा लगता। पिकनिक हो रहा, मम्मी कह रही है। फटफट खाना खा लिया, अब मैं मिठाई खाऊंगी। टॉफी मिठाई चाहिए। तो गाइस मिठाई में है गुलाब जामुन, ये पार्टी हो गया क्या, ले रख दे इसमें, पापा को दे दी, आपको नहीं चाहिए, ले लो एक, ले लो ले लो एक, ले लो। नहीं मम्मी नहीं, मम्मी नहीं, लो मम्मी नहीं। सो गाइस मैं सर्व कभी कभार अच्छा कर लेती हूँ, कभी कभार खतरनाक करती हूँ कि गिर जाता और मम्मी चिल्लाने लग जाती है। अभी थोड़ा गिर गया, ऐसे दो भी ना खाना ठंडा हो जाएगा। कैसे दे, पूरा ऐसे रहने। बस बस थोड़ा सा मेरे को भी, आपको चाहिए चावल, पापा आपको क्या चाहिए, दे दे मम्मी, बाबा बस दाल मखानी दे दो, थोड़ा दाल मखानी चाहिए। हाथ चल नहीं रहा तुम्हारा, हाथ कैसे चला है, बोल, हाथ ऐसे चलता चला है। बस बस तो प्लीज में रख दे रही बहनों, थोड़ा सा फैंटा भी बेचा, ओ माय गॉड, पर इतना सा फैंटा मेरा कुछ होगा नहीं, सजा दे फ्रीज में। और ये एक बॉटल मैं ले लूँगी अपने लिए, क्योंकि रात को मैं एडिटिंग वगैरह करूँगी। तो फ्रीज़र में ना बहुत ही टेस्टी सी चीज़ है, वो है आमरस वाली आइसक्रीम, जो कि मम्मी ने मेरे लिए भी जमाया अलग से और बहन के लिए भी। मुझे लगा था इसे शेयर करना होगा, बट ऐसा नहीं है, मम्मी काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी मस्त है। हाँ आइडिया इसी ने दिया था, मम्मी को बोली थी कि मम्मी आइसक्रीम जमा देना आज, तो मैं तो ऊपर लेके जा रही हूँ। चम्मच चाहिए ना, ओह थैंक यू, बाय, तोड़ूंगी और खाऊंगी। आप भी ऐसे घर पे जमाओ और खाओ, मजा आएगा यार, बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं खा लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ।